फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ताज जीविका होटल एंड रिजॉर्ट्स के बारे में, जिसकी क्लोजिंग हुई है 159.45 पे। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे होटल्स में शैलेट होटल्स, ये जो सेक्टर है ये कवर किया है। वहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया है कि पैंडेमिक के चलते हुए कंपनी की जो बिजनेसेस हैं वो नहीं चले। कंपनी ने यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट में लॉस बुक किए हैं, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से वेकेशंस, यहाँ पे हॉलीडेज कुछ नहीं हो रहा था और कंपनी का बिजनेस जो था वो ऑलमोस्ट ठप हो गया था, और उसी की वजह से इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट में भी बहुत ज़्यादा लॉस दिखाई दिया। लेकिन अब जबकि सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, अभी समर चल रहा है, समर के वेकेशंस आ जाएंगे, फिर से होटल के जो बुकिंग है वो फिर से भर जाएंगी, और यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उसका भी सबको इंतज़ार है। तो आने वाले जो इनके रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे आने के यहाँ पे चांसेस लगा के चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं ताज जीवी के। इसमें इस वीडियो में हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म में अगर आपने लिया है तो आपके यहाँ पे सपोर्ट और टारगेट क्या है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो कौन से लेवल है जहाँ पे आपने नजर रखनी चाहिए, सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। पी रेशियो यहाँ पे 23.94 का है, जो कि बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से, जो है 127.29 का। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है 956 करोड़ का। तो यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमने कहा है, टोटल रेवेन्यू 2018 से लेके यहाँ पे 21 में घट चुके हैं 96.81 करोड़। उसी के साथ इबिटा है वो भी 0.47 करोड़ हो गया है। नेट इनकम नेगेटिव में चला गया है -39.97, और ईपीएस देखिए यहाँ पे 3.25 था, अब हो गया है -6.37 का। कंपनी 2021 में बहुत ही ज्यादा इसने लॉस रहा है, अब आगे के आने वाले जो रिजल्ट हैं जबकि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो यहाँ पे रिजल्ट के आते से ही ये जो स्टॉक है ये भी रैली करते हुए दिखाई दे सकता है, ऐसा हमारा यहाँ पे अनुमान है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो 74.99% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है, प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो प्रमोटर है ट्रस्ट करके चल रहे हैं कंपनी पे कि ये कंपनी आगे भी बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करेगी। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है इसमें कोई भी चेंज नहीं है। म्यूचुअल फंड 1.56% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं, DII 0.27 और FII 0.45% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 22.73% की हिस्सेदारी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक है मेजॉरिटी ऑफ कैंसलिंग इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है ये पास करता है। कंपनी का यहाँ पे 52 वीक हाई लगाए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में बढ़त हुई है। कंपनी का लो डेप्ट है, रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिट भी पिछले दो क्वार्टर से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। जीरो प्रमोटर प्लेज है, ने अपना जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज किया है, और स्टॉक ने यहाँ पे 20% से भी ज्यादा गेन किया है एक मंथ में। और यहाँ पे प्राइस में अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वीकनेसेस में देखिए, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था, इसके साथ ROCE, ROE और ROA जो है पिछले दो साल से डिक्लाइन है, लो पेट्रोस के स्कोर है, नेट कैश फ्लो भी डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियो एज एक्सपेक्टेड निगेटिव है, -10.88 ROE, ROCE -2.67, ROA -5.67, CAGR पिछले तीन साल का 12.20 पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट, टारगेट और रेजिस्टेंस पूरे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये सपोर्ट था, सपोर्ट के लेवल थे हमारे 150, जो कि यहाँ से बहुत अच्छा उसने बाउंस दिया था। ये जब टूट गया इसने कोशिश की, लेकिन फिर से उसके बाद नीचे की तरफ जाते हुए इसने जो लो लेवल लगाए थे वो थे 80 के 2020 में, और उसके बाद यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है उसका सपोर्ट लेते हुए ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा यहाँ पे बाउंस बैक दे रहा है। लेकिन हमारे लिए अभी भी हमारा जो ये सपोर्ट था, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो सपोर्ट था, ये अभी भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे जितनी बार स्टॉक जाता था वहाँ से हमें गिरावट ही नजर आ रही थी। देखिए, जितने बार ये हमारे जो लेवल है 150 से यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर हो रहा था, लेकिन आज के दिन में अगर आप नोटिस करते हैं, आज की ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसने क्लोजिंग दी है 159.85 पे, और उसी के बाद यहाँ पे अगर हम दूसरा रेजिस्टेंस देखते हैं तो वो है 200 मूविंग एवरेज का। मतलब हमारे लिए हमारी ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और 200 मूविंग जो एवरेज है, इन दोनों के ऊपर हमारा जो स्टॉक है उसकी क्लोजिंग हुई है।
तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोजिंग जो है दोनों रेजिस्टेंस जो लेवल हैं उसको हमने क्रॉस कर दिए हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बायर्स आए हैं। अब RSI इंडिकेटर भी देख लेते, 60 उसने क्रॉस कर दिया है वो भी वीकली चार्ट पे, और उसी के साथ MACD जो है यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर भी नजर आ रहा है। अब देखिए हमारा जो स्टॉक है 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये क्रॉस हो गया, तो आगे क्या, आगे देखिए यहाँ पे और एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन है। ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने बनाई है ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी बार ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है वहाँ से एक गिरावट ही दिखाई दे रही है। अब जैसे कि एक तो हमने रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया है, अब हमारे लिए नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे 173 का। बट जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली 3 दिन से अप ट्रेंड की रैली यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, हो सकता है अगर यहाँ पे नीचे की तरफ गिरावट भी आती है तब भी हमारे पास अब सपोर्ट बन गया है और वो सपोर्ट है 150 का। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये क्रॉस हो जाती है, वैसे कि यहाँ से आगे की तरफ ज़्यादा चांसेस है कि ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे सपोर्ट भी देखना है कि हमारा सपोर्ट रहेगा 150 का। तो अब देखिए हमने ये जो ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस था ये क्रॉस कर दिया है, नेक्स्ट जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का। अब चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में देखिए यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, हो सकता है रीटेस्ट भी हो, उसके बाद जो यहाँ पे रैली आएगी वो बहुत लंबी रैली आएगी। तो हमारे लिए जो टारगेट है, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे हैं 159, तो यहाँ से फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 180 का। तो जैसे ही यहाँ पे 180 का जो टारगेट ये अगर सस्टेन करने लगता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 200 तक। नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 200 के आसपास। अगर मिड से लेके लॉन्ग टर्म में ये जो हमारा 200 का लेवल जो है ये भी अगर सस्टेन होता है तो उसमें यहाँ पे 220 से लेके 240 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का नजरिया रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये नोटिस करना है, एक तो हमारे लिए एक सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न है, हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए, इसके बाद हमारे जो यहाँ पे टारगेट बन के आते हैं फर्स्ट तो हमारा रहेगा यहाँ पे 170 और उसके बाद रहेगा 180 और उसके बाद जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है मिड से लेके लॉन्ग टर्म के लिए वो रहेगा यहाँ पे 200। अगर 200 यहाँ से क्रॉस करता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे 220 से लेके 240 के भी लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी बातें हमने शेयर की हैं आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा कि एज ए इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और जुड़े रहिए हमारे चैनल में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।